वेलकम स्टूडेंट्स, कल आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में बताया गया था और दो जर्नल एंट्री करवाई गई थी। आगे का पोर्शन आज स्टार्ट करते हैं और इसमें जो पहला पॉइंट दिया हुआ है वो पॉइंट दे रखा है बोर्ड गुड्स फ्रॉम अनिल ₹15,000, अनिल से ₹15,000 का माल खरीदा। इट मीन्स नाम दिया हुआ है तो हमने उधार खरीदा है। अब इसमें दो अकाउंट अफेक्ट हो गए, एक तो परचेज अकाउंट अफेक्ट हो गया और एक अनिल। अब देखो जो अनिल है वो पर्सनल अकाउंट है और जो परचेज है वो नॉमिनल अकाउंट है। आपको कल बताया था जो परचेज है वो हम किस में लेते हैं, नॉमिनल अकाउंट में लेते हैं, ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट में परचेज को डेबिट में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि आपने माल परचेज किया तो कैश गया आपसे, यानी खर्चा हो गया आपके लिए, तो हम उसको किस में लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। और अनिल को क्रेडिट में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसको गुड्स को देने वाला कौन है, अनिल है। उस गुड्स को देने वाला कौन है, अनिल है। इसलिए हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री कर देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल। अनिल के सामने अकाउंट नहीं लगाएंगे क्योंकि नाम के सामने अकाउंट नहीं लगाते हैं, और हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल ₹15,000 फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल। नगद माल खरीदा। अब देखिए नगद माल खरीदा ₹10,000 का, तो इसमें दो अकाउंट अफेक्टेड हुए, परचेज एंड कैश। अब परचेज तो नॉमिनल में आता है, ऊपर बताया था आपको, और जो कैश है वो रियल में आता है। अब आपने जब माल परचेज किया तो कैश आपसे गया और अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट व्हाट गोज आउट, जो कुछ जाता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। परचेज का ऊपर बता ही दिया है, तो इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर गुड्स परचेज फॉर कैश। तीसरे पॉइंट पे आएंगे, सोल्ड गुड्स टू अजय ₹16,000, अजय को ₹16,000 का माल सेल्स किया। अब इसमें दो अकाउंट हो रहे हैं अफेक्टेड, सेल्स और अजय। अब यहाँ उधार दिया क्योंकि नाम लिखा, ठीक है, तो सेल्स नॉमिनल अकाउंट में आ गया और अजय किस में आ गया। अब आपने जब माल सेल्स किया, अजय उस माल का रिसीवर है और पर्सनल अकाउंट में रिसीवर लिखते हैं डेबिट, और सेल्स आपका रिवेन्यू हो गया यानी इनकम, जब माल बेचा तो पैसा आएगा, इनकम हुई तो इनकम को हम क्रेडिट में लिखते हैं, तो सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। तो अजय डेबिट टू सेल्स अकाउंट फॉर गुड्स सोल्ड टू अजय। नंबर चार पे आएंगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा है ₹5,000 का। तो देखिए जब आपने नगद माल बेचा है तो सेल्स और कैश, अब सेल्स के बारे में तो बताया जा चुका है, नॉमिनल अकाउंट्स, कैश रियल अकाउंट। अब हमारे पास कैश आया, व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट में जो कम्स इन है उसको डेबिट में करते हैं, तो इसकी जर्नल एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट फॉर गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नंबर पाँच देखेंगे, तो देखिए नंबर पाँच में क्या है, नंबर पाँच में दिया हुआ है आपका परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम, राम से फर्नीचर खरीदा एंड इश्यू चेक, और हमने उसको एक चेक काट के दे दिया। अब देखो जब हमने उसको चेक काट के दे दिया तो यहाँ उधार नहीं है, यहाँ नगद हो गई। क्यों? क्योंकि माल आया यानी फर्नीचर आया और कैश चला गया बैंक के थ्रू। तो एक इसमें दो अकाउंट अफेक्ट हुए, एक तो फर्नीचर और दूसरा बैंक। तो फर्नीचर तो रियल अकाउंट में आ गया क्योंकि मटेरियल थिंग्स है, और बैंक इंस्टीट्यूशन है, बैंक आपका पर्सनल अकाउंट में आ गया। अब देखिए उस चेक का गिवर तो बिजनेसमैन है, लेकिन पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक से, बैंक गिवर हो गया तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। फर्नीचर हमारे पास आया, अब यहाँ फर्नीचर लिखेंगे परचेज नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं ना उसको तो परचेज और सेल्स लिखते हैं, जिस चीज़ का हम बिजनेस नहीं कर रहे उसका नाम लिखते हैं, तो यहाँ फर्नीचर का बिजनेस नहीं कर रहे हम, तो यहाँ फर्नीचर वर्ड लिखेंगे, तो फर्नीचर आया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर फर्नीचर परचेज थ्रू चेक। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, विट्रीव कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला है आपने। अब देखिए ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला, दो अकाउंट अफेक्ट हो गए इसमें, कैश
और बैंक। तो कैश तो रियल अकाउंट में आता है और बैंक पर्सनल अकाउंट में आता है, तो बैंक तो गिवर हो गया और कैश हमारे पास आया बिजनेस में, तो कम्स इन डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर कैश विथड्रीव फ्रॉम बैंक। 7 नंबर देखेंगे, विथड्रीव कैश फॉर पर्सनल यूज। अब देखिए पर्सनल यूज ड्रॉइंग होता है, पर्सनल यूज क्या होता है ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग पर्सनल होता है, कल आपको पॉइंट बताया था, ड्रॉइंग किस में आता है पर्सनल अकाउंट में आता है और ड्रॉइंग को डेबिट करेंगे, और कैश गया बिजनेस से क्योंकि बिजनेस से निकाला तो बिजनेस से कैश गया तो गोज अकाउंट को रियल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम जर्नल एंट्री कर देंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000 फॉर कैश विथड्रीव फॉर पर्सनल लोन। नंबर 8 सैलरी पेड रुपीज 2000। अब देखिए हमने सैलरी दी, कोई भी खर्चा जब हम करते हैं ना तो वो खर्चा नगद होता है, तो सैलरी और कैश दो अकाउंट अफेक्ट होंगे। अब सैलरी आपके लिए खर्चा है नॉमिनल अकाउंट में, कैश रियल अकाउंट में, तो खर्चे को डेबिट करेंगे और कैश आपसे गया रियल अकाउंट में तो उसको क्रेडिट करेंगे, तो जर्नल एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर सैलरी पेड। अब बेटा सुनो ध्यान से, दो जर्नल एंट्री मैंने आपको कल करवाई थी, 8 जर्नल एंट्री आपको आज करवाई हैं, टोटल हो गई 10 जर्नल एंट्री। अब ये जो 10 जर्नल एंट्री हैं मैं आपको दोबारा लिख कर दे रहा हूँ पेज पर, बिल्कुल सेम है 10, केवल अमाउंट चेंज है और कोई चेंज नहीं है, तो आप उन एग्जांपल्स को देखकर इनको सॉल्व करेंगे।